देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काउंसलिंग के प्रेसिडेंट के बेटे के साथ हुई मारपीट के बाद से ही अधिवक्ता हड़ताल पर थे। अधिवक्ताओं की मांग थी कि सीओ हरिओम चौहान पर कार्रवाई के साथ ही देहरादून एसएसपी को भी हटाया जाए, जिसके लिए अधिवक्ताओं ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात भी की थी। आज पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओ राजपुरा का तबादला हरिद्वार कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल वापस लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद अदा किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। हड़ताल बहुत ज्यादा दिन नहीं रही, बृहस्पतिवार को हमारा हाउस था, शुक्रवार को हमने हड़ताल करी, शनिवार को तो हम लोग पिछले 38 वर्षों से हड़ताल पे रहते हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के हमने मात्र इस एपिसोड में एक दिन हड़ताल करी, वो शुक्रवार को। कुछ मांगे हम लोगों ने मांगी थी, परिवार के, पुलिस परिवार के जो मुखिया माननीय डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने भी हमसे खेद व्यक्त किया था कि अगर मेरे किसी अफसर की किसी चीज़ से आपका भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं। उसको भी हमने, उस निमित्त भी हमने आज बात रखी थी डीजीपी साहब की, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिले थे, कुछ मांगे थी हम लोगों ने लिखित रूप से दी थी, जिसकी शायद जाँच डीआईजी साहब ने करवाई है, और उसी संदर्भ में मेरे को भी अभी पता लगा है एसओ साहब का तबादला हरिद्वार कर दिया गया है, धाराएं तरमीम कर दी गई हैं, उसमें एक गिरफ्तारी भी हो गई, तो लगभग 90% हमारी मांगों को उन्होंने मान लिया है। एक एक मांग के ऊपर कुछ टाइम मांगा है, तो हमको सीएम के ऊपर, अपने परिवार के मुखिया के ऊपर, उत्तराखंड का जो हमारा मुखिया, उस पर विश्वास करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। इस निमित्त हम लोगों ने एसएसपी को हटाने की मांग थी, एक चार पांच मांगों में से एक मांग वो भी थी, वो जारी है हमारी, जारी रखेंगे, आंदोलन का स्वरूप बदलेंगे पर हड़ताल को खोलेंगे, क्योंकि इसका वाद कार्यों का बहुत ज्यादा अहित होता है। उसके लिए 15 दिन का समय भी लिया, 15 दिन का समय भी मांगा है माननीय मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।